और राजस्थान के जोधपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो जल्दी से आपको बता देते हैं। जोधपुर में एक बार फिर से विवाद हो गया है। जोधपुर के सुरसागर में दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया है। इस झड़प में दो लोग के घायल होने की खबर मिल रही है। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बताया ये जा रहा है कि पार्किंग को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए थे। विवाद इतना बढ़ा कि एक दूसरे पर हमला करने लगे और इसी बीच दोनों पक्ष में मारपीट शुरू हो गई, जैसा कि आप सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हैं। पार्किंग को लेकर दरअसल ये पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ। दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। जोधपुर की ये पूरी घटना। राजस्थान में दरअसल देखिए विवाद लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। जोधपुर के सुरसागर में इस बार विवाद हुआ है। इलाके में झड़प की खबर मिली। दो पक्ष पार्किंग विवाद को लेकर आमने सामने हुए और देखिए किस तरीके से विवाद बढ़ता गया। एक दूसरे से मारपीट करने लगे और पूरे के पूरे लोग जो वहां पर मौजूद आपको सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं। देखिए पहले बातचीत हुई, विवाद को लेकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए और उसके बाद मारपीट करने लगे। भंवर पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भंवर, अपडेट चाहेंगे। दो लोग घायल हुए हैं, हिरासत में भी लिए गए हैं क्या कुछ लोग? जी बिल्कुल, दो लोग घायल हुए हैं। दो लोगों को रात को हिरासत में लिया गया था। हो सकता है सुबह तक संख्या और बढ़े, क्योंकि जो वीडियोस में दिखाई दे रहे हैं उस वीडियो में संख्या ज्यादा है। पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ और जोधपुर देखिए गृह मंत्री का इलाका है, जो थोड़े दिन पहले ही सांप्रदायिक हिंसा के दौर से गुजरा है। अभी तक उसी के आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं और एक और सांप्रदायिक हिंसा होते होते बच गई है, सिर्फ झगड़े तक सिमट कर रह गई। एक व्यक्ति पार्किंग को लेकर झगड़ता है और बाकी समुदाय विशेष के लोग इकट्ठा होकर उस पर हमला बोलते हैं, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे की जद में आ जाती हैं और वो स्क्रीन पर हम लोग दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सब लोग झगड़ा करके उसको मारने पीटने लगते हैं। पुलिस थाना क्योंकि सुरसागर बिल्कुल नजदीक था घटनास्थल के, तुरंत पुलिस वहां पर पहुंची और फिर बाद में आरएसी की टीम डिप्लॉय कर दी गई। पुलिस फोर्स लगाया गया, धारा 144 लागू है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह की हिंसा या सांप्रदायिक सद्भाव जो है वो वहां पर ना रहे, कोई हिंसा वहां पर ना हो, इसके लिए पुलिस फोर्स डिप्लॉय हो चुका है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भंवर आपका इस जानकारी के लिए।